नागपुर के शासकीय मेडिकल अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक के एक पेशेंट को सीरियस कंडीशन में लाया गया, जहां पर अत्याधुनिक ऑपरेशन के द्वारा मरीज को वापस से उसी की कंडीशन में लाया गया। फिलहाल मरीज की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। तो वहीं इस मामले में मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम और समाज सेवकों की भूमिका काफ़ी काबिले तारीफ मानी जा रही है। नागपुर का मेडिकल अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल में पांव के नाखून से लेकर सिर के बाल तक होने वाली हर बीमारी का इलाज इसी अस्पताल में किया जाता है। प्रतिदिन सैकड़ों मरीज भारतवर्ष से यहां पर इलाज के लिए आते हैं। हाल ही में पिछले दो दिनों से बेहोशी की हालत में एक मरीज को इलाज के लिए नागपुर मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया। ब्रेन में खून का रिसाव रुकने पर कुछ खून की जानलेवा गुठलियां सिर में जमा हुई थी, जिससे मेडिकल के डॉक्टरों की टीम ने मरीज सैयद आशिक का अच्छा इलाज किया और उन्हें एक नई जिंदगी प्रदान की। मौत के मुंह से निकालने का काम सभी डॉक्टरों की टीम ने बखूबी किया। डॉक्टर टीम का सामाजिक कार्यकर्ता सोहेल खान, पंजू तोतवानी, मनोज कावंडे आदि ने डॉक्टरों की टीम का शॉल श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर सोहेल खान, डॉक्टर राजेश गोसावी और मेडिकल के डीन डॉक्टर राज कजबिये ने जानकारी दी। इस मौके पर सोहेल खान ने बताया कि डॉक्टर वाकई में भगवान है। मेडिकल के डॉक्टरों ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा किया है। दो दिन बेहोशी की हालत में सैयद आशिक को लाया गया था। लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझ भी लिया था, लेकिन मेडिकल के डॉक्टरों द्वारा सही इलाज मिलते ही मरा हुआ आदमी भी वापस से जिंदा हो गया। देखा जाए तो मेडिकल के डॉक्टरों ने मरीज की जान बचाकर मानो मरीज को ईद का तोहफा दिया हो। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर भगवान होता है। आज ये साबित हो गया कि डॉक्टर वाकई में ही भगवान होता है, और मेडिकल के डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया कि एक मरे हुए इंसान को उन्होंने ज़िंदा किया है, जिसका नाम है सैयद आशिक। उनको अलविदा जुमे के दिन एडमिट किए थे, अनकॉन्शियस थे, दो दिन तक उनको कोई होश नहीं आया था, लेकिन मेडिकल के डॉक्टरों की मेहनत की वजह से आज वो पूरी तरीके से स्टेबल है और अच्छा खाना पीना उन्होंने अपने चालू कर दिया है। और दूसरा कि मेडिकल के डॉक्टरों ने एक मुस्लिम परिवार को भगवान बनकर ईद का इतना अच्छा तोहफा दिया कि इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता उस परिवार के लिए, कि उनके घर का सदस्य आज उनकी आंखों के सामने बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल में अच्छा इलाज नहीं होता, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारा खुद का तजुर्बा है कि मेडिकल में अच्छे से अच्छा इलाज होता है। और मैं चाहता हूँ, और बाकी लोगों के लिए भी मेरा एक संदेश है कि मेडिकल पे भरोसा करें, मेडिकल के डॉक्टरों पे भरोसा करें, और अपने पेशेंट को ये उम्मीद से लाए कि आपका पेशेंट आपके साथ में अच्छा होकर ही जाएगा। ये मेरे ऊपर वाले सर, यहाँ के डॉक्टरों पे भरोसा है। डॉक्टर राजेश गोसावी ने बताया कि मरीज सीरियस हालत में था। मरीज के ब्रेन के पीछे ब्लड क्लॉटिंग आया था। दो दिन उनका अच्छा इलाज किया गया, जिसके बाद उनकी हालत अब नियंत्रित है। साथ ही उन्होंने बताया कि लाइफस्टाइल में हाइपरटेंशन को अच्छे से नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। मैं डॉक्टर राजेश गोसावी, प्रोफेसर ऑफ औषध वैद्यक शास्त्र, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। त्यामध्ये आता हे दोन आस्पेक्ट आहे। मेंदूमध्ये क्लॉट होऊन पेशंट पडला ही वेगळी गोष्ट आहे, आणि पडल्यामुळे काय झालं ते कंट्युजन ते सगळं वेगळा प्रकार आहे, म्हणजे दॅट गोज इन अ सर्जिकल मॅनेजमेंट। आणि मेंदूमध्ये जर ब्लड क्लॉट झाला किंवा हिमरेज झालं, जे रक्तस्राव झाला, तर त्याला आपण सेरिब्रोव्हॅस्क्युलर एपिसोड म्हणतो, ज्याच्यामुळे आपण त्याला लकवा गेला हे कॉमन लोकांचे म्हणतात। तर त्याच्याकरता आपलं ब्लड प्रेशर आणि डायबिटीस आणि लाईफस्टाईल हे चांगलं ठेवणं आवश्यक आहे, आणि लाईफस्टाईलमध्ये हायपरटेन्शन खूप चांगल्याने कंट्रोल करणं आवश्यक आहे। हे त्याचंच एक कॉम्प्लिकेशन आहे एजिंगसारखं, तर ते एक प्रिव्हेंटिव्ह मेजर आहे की आपण मॅक्झिमम त्याला पुढे ढकलू शकतो, म्हणजे जर आपलं हायपरटेन्शन चांगल्या प्रकारे कंट्रोल केलं तर। आणि हा जो पोस्टेरियर सेरिब्रमचा स्ट्रोक आहे, याचे मॅक्झिमम पेशंट पुष्कळदा दगावतात, कारण तिथे जागा कमी असते, मेंदूवरती इडिमा येतो, म्हणजे मोठा होतो, आणि तिथे जागा नसते, आणि त्याच्यामध्ये रेस्पिरेटरी सिस्टीम किंवा रेस्पिरेशन थांबून जातं। तर हा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉम्प्लिकेशन्स आहे, आणि याच्यामध्ये पेशंट दगावणे चान्सेस जास्ती असतात। डीन डॉक्टर राज गजबिये ने कहा कि अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए यह ऑपरेशन किया गया है। यह शस्त्रक्रिया काफी महंगी है। रोबोटिक द्वारा शस्त्रक्रिया करने से मरीजों को काफी फायदा होता है। सूचरिंग, खून का रिसाव आदि में यह मशीन कारगर साबित हो रही है।
17 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, 3 करोड़ और लेना है ताकि रोबोटिक का फायदा ज्यादा से ज्यादा मरीजों को मिल सके। ऐसी जानकारी मेडिकल के डीन राज गजभिये इन्होंने दी। अत्याधुनिक प्रकार की शस्त्रक्रिया है व हे जे रिसेंट डेवलपमेंट्स शस्त्रक्रिया करण्यामध्ये झालेले आहेत रिसेंटली काही वर्षात, आणि ही शस्त्रक्रिया अतिशय महागडी आहे। ही रोबोटिकद्वारे शस्त्रक्रिया करण्यामध्ये आणखीन पेशंटला काही ॲडव्हान्टेजेस असतात, जसं सुचिरिंग, आणखीन त्याच्यामध्ये रक्तस्राव कमी होतो व बिलकुल पिन पॉइंट टिश्यूज आपण हँडल करू शकतो, त्याच्यामुळे पेशंटला पोस्ट ऑपरेटिव त्रास पण कमी होतो आणि पेशंटची रिकव्हरी लवकर होते। तर ही अत्याधुनिक प्रकारची शस्त्रक्रिया आता शॉर्टली महिन्या दीड महिन्यात मेडिकल कॉलेजमध्ये पण अवेलेबल होणार आहे। त्याच्यासाठी आम्हाला शासनानी 17 कोटी रुपये दिलेले आहेत, आणखीन 3 कोटीची कमतरता आम्हाला पडते आहे, ती पण DPDCच्या फंडमधनं आम्हाला भेटणार आहे। आणि एकदा हा रोबोट जर इन्स्टॉल झाला तर या प्रकारच्या अत्याधुनिक शस्त्रक्रियेचा इथे येणाऱ्या गरीब रुग्णांना त्याचा फायदा नक्कीच भेटणार आहे। NBC न्यूज के लिए मेडिकल से राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट।